सत्र में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। एक्चुअली समस्या यह है कि सीटें कम हैं और विद्यार्थी ज़्यादा हैं। पूरे सारण प्रमंडल में जिसमें 3 ज़िले आते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, उसमें हर साल इंटर में 2 लाख के करीब बच्चे पास होते हैं तीनों ज़िला मिलाकर। ठीक है, आप गणित समझिए। और इसके पीछे हम विज्ञान भी बताएंगे कैसे आपका नामांकन जो है कि कंफर्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एक सीट, तो वो चीज़ हम बताएंगे इस बारे में। स्पेशली हम 2022 में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, क्या लें क्या न लें, मतलब ये सारी चीज़ों पर बात होगी, तो उनके लिए है। सबसे पहले तो बता दें कि 2 लाख स्टूडेंट पास होते हैं हर साल, सीटें कुल मिलाकर 35,000 के लगभग हैं तीनों ज़िला में। अगर हम उस तरह गोपालगंज ज़िले की बात करें तो यहाँ करीब करीब 7,000 सीटें हैं, उसी तरह सिवान में करीब करीब 10,000 सीटें हैं और बाकी सीटें छपरा में। लेकिन ये 35,000 सीटें वास्तव में है नहीं उस तरीके की, जैसा कि आप सोचते हैं कि 35,000 सीट है तो भाई हमको भी एक सीट मिल जाएगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और आप सब्जेक्ट और कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं तो गारंटी नहीं है। पिछले 3 सालों से जो ऑनलाइन अप्लीकेशन से मेरिट बनाकर और नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई है, उसमें आपके सीनियर्स को अच्छे से पता है कि सबको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आवेदक ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं। अब 35,000 सीटों का गणित क्या है, पहले तो ये 30,000 के करीब था, इधर 4,500 बढ़ा है। मैं पीजी की बात नहीं कर रहा, केवल यूजी सीटों की बात कर रहा हूँ। तो गणित यह है कि हर कॉलेज में प्रत्येक विषय की सीटें होती हैं बराबर बराबर। अब 35,000 का मतलब नहीं कि एक ही विषय का सारा 35,000 है। अब उसमें गणित भी है, विज्ञान में आपके जूलॉजी, बॉटनी का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, उसके बाद आर्ट्स में बहुत सारे विषय हैं, उसके अलावा कॉमर्स है, कहीं पे उर्दू है, लैंग्वेज है। तो आपकी सीट कितनी है, आपके विषय की, आप जिस विषय से लेना चाहते हैं उसकी सीट कितनी है, ये मायने रखता है, न कि 35,000 सीट मायने रखता है। उसके बाद कि आप जिन 10 या 5 कॉलेजों का चुनाव कर रहे हैं उसमें कितनी सीटें हैं आपके विषय की, ये गणित है। इस गणित को आप नहीं समझिएगा और नहीं फॉलो कीजिएगा इसके रूल्स को, इसके फार्मूला को, तो आपको आपका नामांकन नहीं होगा, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगी। पिछले 3 सालों से देखा जा रहा है कि 60% मतलब फर्स्ट डिवीज़न बच्चे भी छट जा रहे हैं, उनको भी नाम नहीं आ रहा है। और ये बच्चे 1 साल 2 साल से इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ चलो फिर अगली बार अप्लाई कर लेंगे। अरे भाई, पिछली बार जब आपका नाम नहीं आया तो अगली बार में कैसे नाम आएगा, परसेंटेज आपका थोड़ी बढ़ रहा है प्लस टू का, इंटरमीडिएट में आपने जितना नंबर लाया है वो तो बढ़ेगा नहीं। और साल दर साल इंटरमीडिएट में काफ़ी अच्छे नंबर बच्चे उठा रहे हैं, 80% आजकल आम हो गया है, हर गांव में 4 बच्चा 80% वाला। तो वो जब अप्लाई करेगा ग्रेजुएशन के लिए तो फिर पीछे के जो लोग हैं या जो कम परसेंटेज वाले लोग हैं वो कहाँ फेंकाएंगे, उनका कुछ पता नहीं चलेगा। तो अप्लाई करने को तो स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं। अब समस्या देखिए क्या है, साइंस वाले बच्चे जो साइंस लेना चाहते हैं उसमें लड़के सबसे ज़्यादा चुनते हैं फिजिक्स को भाई। केमिस्ट्री उन्हें कभी समझ में जल्दी आया नहीं आज तक, 12वीं पढ़ लिए, मैथ से उनका 36 का आंकड़ा ही रहता है। अधिकांश बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो कॉमन चीज़ है, बस ले देंगे फिजिक्स बचता है चले बोल, आम भाषा में बात करें तो फिजिक्स चल जाएगा, तो चलाने के लिए फिजिक्स ले लेते हैं, मतलब सारे बच्चे फिजिक्स में अप्लाई कर लेते हैं। अब भाई किसी भी कॉलेज में केवल फिजिक्स की ही सीट नहीं होती है, सीट सभी विषयों की होती है, फिजिक्स की उतनी ही सीट होती है जितनी बाकी विषय की होती है। मान के चलिए किसी कॉलेज में जनरली 60 के आसपास एक सब्जेक्ट की सीटें होती हैं। अब उस कॉलेज में 3,000 सीट हो, 4,000 सीट हो, लेकिन आपके सब्जेक्ट की कितनी सीट है मायने रखता है। तो सारे लड़कों ने अप्लाई कर लिया फिजिक्स में, मिलेगा नहीं, जितनी सीट होगी फिजिक्स की किसी 5 कॉलेज में उसी में मिलेगा। अब लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का ले दे के एक सब्जेक्ट मात्र बचता है साइंस में, वो बस जूलॉजी, सबको जूलॉजी पढ़ना है और सबको पता नहीं जूलॉजी पढ़ के क्या करना है और क्या किए हैं, हमको नहीं पता चलता है कि ये जूलॉजी पढ़ के या फिजिक्स पढ़ के लड़का लड़की लोग क्या करता है ग्रेजुएशन में, वो भी JP यूनिवर्सिटी से, ये चीज़ हमको आज तक समझ में नहीं आया है। तो जूलॉजी लेती हैं लड़कियां, बोटनी पढ़ती नहीं हैं,
भाई पेड़ पौधों के बारे में पढ़ के क्या होगा, नहीं सब तो जानवरों के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं भाई। इंसान चूंकि जानवर से बना है तो अभी जानवर वाली प्रवृत्ति भी हो गई है, तो ये पढ़ाई ज़रूरी है। पेड़ पौधों का क्या दिक्कत है, रहे ना रहे। और लड़कियां जो हैं कि देखिए मैं सच्चाई बात करूंगा, मैथ से दूर ही भागती हैं, फिजिक्स उनके समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री उनको मतलब केमिस्ट्री कुछ बुझाता ही नहीं है। हाँ कुछ लड़कियां हैं जो अप्लाई करती हैं। अब बोटनी जैसे देखिए, बोटनी में बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो जो बच्चे बोटनी में अप्लाई करते हैं ना उनको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस में उनको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में अप्लाई करता है उसको भी मिल जाएगा, मैथ वालों को और अच्छे मिल जाएगा क्योंकि मैथ की सीटें खाली रह जाती हैं बहुत जगह, बच्चे मैथ लेते नहीं हैं। तो ये गणित है और फॉर्मूला यह है कि आप ऐसा विषय लें जिसमें लोग स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं, कम पढ़ते हैं, तो उसमें आपका नामांकन निश्चित है, ठीक है। गणित का फॉर्मूला समझ में आ गया नामांकन का। अब हम आर्ट्स विषय की बात कर लेते हैं। तो आर्ट्स में मतलब किसी से पूछिए, किसी बच्चे से, या हम देखते हैं 3 सालों से हम लोग 10 हज़ार स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं आर्ट्स का मतलब बच्चा को एक ही पता, हिस्ट्री। आर्ट्स माने हिस्ट्री, मतलब आर्ट्स का अगर पूछिए कि भाई आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट, सबसे पहले हिस्ट्री बताएगा और आवेदन करता है हिस्ट्री। मतलब अगर साइंस नहीं पढ़ना है किसी को, किसी भी स्टूडेंट को, लड़का हो या लड़की हो, तो बस उनको हिस्ट्री लेना है। मतलब इतना हिस्ट्री से लगाव है, इतना रुचि है, मतलब 2,000-5,000 की हिस्ट्री लोग आज मतलब खोद रहे हैं एकदम वर्तमान परिदृश्य पर। चलिए कोई बात नहीं, मतलब देखिए बात क्या है कि हिस्ट्री लेना चाहते हैं, हिस्ट्री ही पढ़ना है, पता नहीं हिस्ट्री क्यों उनको इतना आसान लगता है और उनको ये नहीं पता कि हिस्ट्री सबसे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे कम नंबर उसी में उठता है। मतलब उनको हिस्ट्री आसान लगता है, जो बीत गई हैं, अब राजाओं के नाम, उनके महल और युद्ध के बारे में बस आसान लगता है। मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री आसान विषय है भाई, क्यों हिस्ट्री लेते हो। अब आर्ट्स ही पढ़ना है, जब ह्यूमैनिटीज ही लेना है तो और भी विषय हैं। अब सर देखिए दिक्कत यही है, मैं दिक्कत की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री लेते हैं सारे बच्चे आर्ट्स जिनको पढ़ना होता है, तो भाई सारी सीटें हिस्ट्री की ही नहीं ना यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो बराबर बराबर हैं, तो सबको कैसे मिलेगा। तो फिर आर्ट्स वाला जो हिस्ट्री लेते हैं उनको नहीं मिल पाता है। अब अगर ऐसा कोई बच्चा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2-3 विषय ऐसे हैं कि जिनको आप अगर अप्लाई करते हैं तो 100% आपका नाम आएगा एडमिशन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, नहीं तो सेकंड थर्ड में बचेगा नहीं। अब जैसे एक सब्जेक्ट हो गया फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, भाई किसी कॉलेज में अगर हिस्ट्री की 60 सीट है ना तो दर्शन शास्त्र की भी 60 सीटें ही होती हैं, कम नहीं होती हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र फिलॉसफी लेता कौन है, कोई नहीं लेता है, बस उसमें सीटें खाली रहती हैं और इधर हिस्ट्री वालों को सबको एडमिशन मिलता नहीं है। म्यूजिक कोई नहीं लेता है, संस्कृत कोई नहीं पढ़ता है। आजकल तो मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज खासतौर से संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि अगर आप संस्कृत ले लेते हैं, संस्कृत में हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड कर लेते हैं तो आपका टीचर का जॉब पक्का है, क्योंकि संस्कृत के टीचर प्रोफेसर बहुत कम मात्रा में हैं और वैकेंसी बराबर आती है लेकिन मिलते नहीं हैं लोग। उर्दू पढ़िए, उर्दू में आपको जॉब मिलेगा आसानी से। इंग्लिश पढ़िए, एडमिशन भी मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी आसानी से। अभी जो प्राइम मिडिल स्कूलों या हाई स्कूलों में टीचर की बहाली होती है उसमें आप किसी से पूछिएगा कि उसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट की पोस्ट खाली हैं, टीचर्स नहीं मिलते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, संस्कृत के, उर्दू के। तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे, जैसे अब सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये भी विषय कम उपयोगी नहीं है। आपको आर्ट्स ही पढ़ना है तो यही विषय ले लीजिए ना, हिस्ट्री लेके क्या करेंगे, कौन सा तीर मार देंगे आप हिस्ट्री लेकर। तो नए स्टूडेंट जो अप्लाई करने जा रहे हैं उनको मेरा यही राय सुझाव है कि आप साइंस सेक्टर, अगर कोई आपका खास इंटरेस्ट नहीं है, आपको अगर साइंस पढ़ना है बोटनी ले लो, अच्छा है, जॉब मिल जाएगा आसानी से, टीचर वोचर का जॉब मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ जूलॉजी में भीड़ रहती है, कहीं भी बोटनी का बंदा नहीं खोजने से मिलता है। केमिस्ट्री ले लो गल्फ कंट्री में या ये ऑफ
जो तटीय इलाके हैं गुजरात मुंबई जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर केमिस्ट्री से आपको जॉब मिल जाएगा आसानी से, जो भी प्लांट वलांट हैं। मैथमेटिक्स कर लो आप, बीएससी एमएससी कर लोगे, बीएड कर लोगे, आपको टीचर की जॉब मिल जाएगी। नहीं भी करोगे तो बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ा लोगे, बहुत अच्छा कमाओगे, जब तक जॉब नहीं लगी तब तक मैथ में एक्सपर्ट बन जाओ। आर्ट्स लेना है तो फिलॉसफी ले लो, कोई खास मतलब नहीं है तो फिलॉसफी लेके यूपीएससी के वैकल्पिक विषय रख सकते हैं आप। पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस बच्चे लेते हैं, ज्योग्राफी बच्चे ले लेते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी लीजिए। आपको अगर सिर्फ जनरल ग्रेजुएशन कर लेना है, सबसे आसान विषय है सोशियोलॉजी, सबसे छोटा सब्जेक्ट मतलब सिलेबस वाला, ठीक है। साइकोलॉजी ले लीजिए, थोड़ा सा आप अगर तर्क करने वाले हैं, आप थोड़ा सा आप बिहेवियर लोगों की पहचानते हैं, और थोड़ा सा आपको लोगों में, लोगों के व्यवहार में, लोगों के आदतों विचारों में रुचि रखते हैं, तो साइकोलॉजी पढ़िए। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आगे आप पढ़ लेते हैं। ये काउंसलर की जो वैकेंसी आती है बहुत सारे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स या अन्य डिपार्टमेंट में, उसमें साइकोलॉजी की मांग होती है। तो मेरा आज के वीडियो का फोकस यही था कि आप नामांकन लेने जा रहे हैं ग्रेजुएशन का। अगले वीडियो में मैं प्लस टू स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा कि इंटर में एडमिशन लें तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर देखिए, अब साइंस से आपने इंटर किया है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में एक ट्रेंड है कि बच्चे साइंस लेते हैं अधिकतर इंटरमीडिएट में, दसवीं के बाद 90% बच्चे साइंस लेते हैं, लेकिन ऊपर जाके हट जाते हैं, साइंस बस की नहीं रहता है, छोड़ देते हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं है, रेगुलर क्लासेस नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो ज़बरदस्ती साइंस मत लीजिए। अभी देखा है हम लोगों ने पिछले 5-10 साल से देख रहे हैं कि साइंस ले लेता है बबुआ सब, बबनी सब, पास करता नहीं है, प्रमोट पे प्रमोट मार के पूरा फुल प्रमोट हो जाता है 5 साल लगा के, ठीक है। तो ज़बरदस्ती साइंस मत पढ़िए, साइंस पढ़ने की सुविधा आपके यहाँ हो, कोई पढ़ाने वाला हो, या सेल्फ स्टडी से पार पा जाएँ आप नैया जयप्रकाश विश्वविद्यालय का, तो ही साइंस लीजिए, या तो आर्ट्स में छोटा मोटा बढ़िया हल्का सब्जेक्ट लेके और पार पाइए इससे जल्दी से। कॉमर्स, मैं सोचता हूँ कि बिहार के बच्चे कॉमर्स क्यों नहीं पढ़ते हैं, इतना डिमांडेबल सब्जेक्ट है, इतना डिमांडेबल मार्केट है इसका, लेकिन यहाँ पर बच्चे कॉमर्स पढ़ते ही नहीं हैं। कॉमर्स पढ़िए, बहुत जल्दी जॉब लगेगा। बीकॉम पढ़िए, उसके बाद देखिए जॉब निश्चित है, कहीं भी लग जाएगा, आपके शहर में लग जाएगा जॉब बीकॉम पे, लेकिन साइंस आर्ट पे जॉब नहीं लगेगा डायरेक्ट। तो ये मेरा आज का आप लोगों का सुझाव था, और जो भी लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप हैं, आपके घर परिवार अगल बगल आस पड़ोस रिलेशन जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जो 12वीं पास किए हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनका भला होगा, आपका भला होगा, तो सबका भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद।